दोस्तों, जानवर इंसानों के लिए कितने ही खतरनाक क्यों न हो, जरूरत पड़ने पर यही जानवर इंसानों के पास मदद मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हीं में जानवरों को आखिरी उम्मीद नजर आती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानवर और इंसान इन दोनों के ऐसे मोमेंट दिखाने वाले हैं जिसमें हम देख पाएंगे कि कैसे इंसानों ने खतरनाक जानवरों की भी मदद बिना डरे की। ये वीडियो है महाराष्ट्र में स्थित पुणे के एक गाँव की, जहाँ रविवार 2 अगस्त को एक फीमेल लेपर्ड 60 फीट गहरे कुएं में पानी में गिर जाता है, जो बाहर आने के कई देर से उस पानी के साथ जूझ रही थी। इसीलिए समय रहते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहां बुलाया गया, जिन्होंने इसे खास तरह से केज को गुहे में डाला जिससे लेपर्ड बाहर आ सके। ये केज अंदर ले जाने के बाद लेपर्ड तुरंत समझ गया कि ये उसकी मदद करने के लिए ही भेजा गया है, जिसके बाद वो तुरंत अंदर चली जाती है और उसे खींचकर वहां से सही सलामत बाहर निकालते हैं। लेकिन अभी इसे रिलीज करने में थोड़ा वक्त है, क्योंकि ये लेपर्ड अभी काफी डरी हुई है, जिस वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर इसे कुछ दिनों के लिए अपनी निगरानी में रखकर इसका खासा ध्यान रखेंगे, जिसके बाद इसे फिर से जंगल में रिलीज किया जाएगा। यही नहीं, इन लोगों ने भी इससे डूबते हाथी के बच्चे को डूबने से बचा लिया, जो कि इस पानी के तेज बहाव की वजह से बीच में ही फंस गया था। हर बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की राह देखने से अच्छा है आम जनता ने भी इनकी ऐसी ही मदद कर देनी चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया में भीषण आग लगी तब वहाँ पर जानवरों को कड़ी संकट से गुजरना पड़ा। वहीं ये छोटा सा कोआला भी मौजूद था, जो आग की वजह से काफी घायल हो चुका था। तब इस लेडी ने तुरंत इसकी मदद की, जो कि मदद के लिए रो भी रहा था। उसे वहाँ से ले जाकर पानी पिलाया गया। और बाद में उस जगह से दूसरे जगह यानी नजदीकी जू में रखा गया, ताकि उसके आगे की ट्रीटमेंट अच्छे से पूरी की जा सके। सिर्फ इसी कोआला को नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के उस घटना के वक्त फायर डिपार्टमेंट ने कई जानवरों की मदद की, जो कि बड़ी अच्छी बात है। समंदर के बीचों बीच इस पेड़ की थ्रेड पर एक क्रेन गलती से फंस गया था, जिसके चोंच पूरी तरह से इस थ्रेड से अटक गई थी, जिसे इन बोट पर बैठे लोगों ने देखा और तुरंत इसकी मदद करने पहुंच गए। Calma aí, bebê. Nossa, gente, olha isso aqui, gente. Que judiação. Nossa. Quero machucar ela. Aí, vai Aê! Pra vida. Vai pra vida, nenê. और सही सलामत उसे वहां से आजाद कर दिया, जिसके बाद क्रेन वहां से जाने के बजाय वहीं रुक भी गया, जो कि कुछ सेकंड थैंक यू कहने के लिए रुका होगा और बाद में वहां से उड़ गया। Rapaz, que coisa impressionante. Vai, minha filha. Vai, Di. Tá agradecendo, tá? जब बेयर कब यानी बेयर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर खाने की तलाश में इस झील के अंदर फंस गया, तब उसने इन रशियन मछुआरों ने अपने बोट पर जगह दी। बोट दिखते ही ये कब इस बोट पर चढ़ने के लिए झपटने लगा, जिसे देखकर लगता है ये काफी देर से किसी की मदद के लिए रुका था और काफी डरा हुआ भी था। बाद में इन मछुआरों ने इस बेयर को फिर से सही सलामत पानी के किनारे छोड़ दिया। चलो, ये अच्छा हुआ कि वक्त रहते इन लोगों ने इसे देख लिया और बचा लिया। 10 जुलाई 2021 को टिकटॉक पर एक वीडियो काफी वायरल हुई, जिसे करीब 16 मिलियन लोगों ने देखा, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्रिस्टा फ्लोरी नाम के ये शख्स फैंस में फंसे इन मैगपाई को छुड़ा रहा है, जिसकी गर्दन इस मेटल फैंस के अंदर फंसी हुई थी। इसकी इस छोटी मदद की वजह से करीब 20 मैगपाई की जान बच पाई। इतना ही नहीं, कई लोगों ने टिकटॉक पर इस शख्स की वाहवाही भी की, इसलिए आपको भी कभी ऐसा नजारा कहीं दिख जाए तो इन बेजुबान जानवरों की मदद जरूर कर देना। जुलाई 2015 को कोलंबिया के समुद्र किनारे एक किलर व्हेल आकर फंस गई, जो कि करीब 5 टन के आसपास थी, जिस वजह से इसे उठाकर फिर से पानी में रखना करीब नामुमकिन था। और ये व्हेल समुद्र के पानी से काफी दूर भी थी, जिस वजह से वहां के लोगों ने बिना कुछ किए करीब 8 घंटे तक इस व्हेल को पानी से गीला ही रखा, ताकि इसे पानी की कमी महसूस न हो। और 8 घंटे बाद जैसे जैसे पानी बढ़ता चला गया, तब ये व्हेल फिर से पानी में चली गई, जिससे पानी में जाने के बाद इन लोगों को चीयर्स भी किया। She wants to be past that rock right up her nose. Yeah, but she needs to.
गॉड। शायद यही इसका थैंक यू कहने का तरीका होगा। वुल्फ एक ऐसा जानवर है जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि ये बड़े ही खतरनाक जानवरों में से एक है जो कभी खुद भी इंसानों के आसपास नहीं भटकते। लेकिन इस क्लिप में हमें कुछ और नजारा देखने को मिला, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वुल्फ इस लेडी के पास आने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर ये लेडी उसे खाना दे देती है। यही नहीं, ये दोनों भी बिना डरे एक दूसरे के पास आते हैं, जिसके बावजूद वुल्फ ने उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि ये लेडी खाना देकर उसकी मदद कर रही थी। इस क्लिप को देखकर हमें एक बात बखूबी पता चलती है कि जानवर कितना ही खतरनाक क्यों न हो, उसे प्यार किया जाए और उसकी मदद की जाए तो वो भी हमारे हो जाते हैं। जब जॉश डेविस अपने साथी के साथ पेंसिल्वेनिया के जंगल में गए थे, तब उन्हें बर्फीली झील में एक डियर बैठा हुआ नजर आता है, जो कि पहले उस बर्फ पर चलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सरफेस स्लिपरी होने की वजह से वो अपनी जगह से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता। जिसके बाद इन दोनों ने इस डियर की मदद करने की सोची, जिसमें से एक शख्स बोट लेकर इस बर्फीली झील में गया और इस डियर को वहां से बाहर लेकर आता है। ठीक वैसे ही एक लैब्राडोर डॉग एक बर्फीली झील पर फंस गया था, और जब फायर फाइटर को इसके बारे में पता चला, तब वो इसकी मदद करने वहां पहुंच गए और तुरंत इस कुत्ते को वहां से बाहर निकाला, जो कि काफी डरा हुआ था। और ठंड की वजह से इसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से इसे बाद में एनिमल शेल्टर ले जाया गया। यही नहीं, इस टर्टल को भी देखिए, जिस पर ये शार्क हमला कर रही थी, जिस वजह से वो उससे दूर भागने की कोशिश में लगा था। Oh my God! लेकिन उससे ये ना होने की वजह से उसने सामने दिख रही बोट पर आने की सोची। No way. No way. Oh my God, that... इसके बाद बोट में खड़े शख्स ने उसे पानी से निकाल कर कुछ देर के लिए बोट में रखा, ताकि शार्क वहां से जा सका। All right, we got him. We're on total release, baby. Saved him from the tiger shark. जब भी किसी जानवर को मदद की जरूरत होती है, तब वो खुद इंसानों के पास मदद के लिए आते हैं। और ऐसा ही एक नजारा हमें इस क्लिप में देखने को मिला, जिसके एक स्कूबा डाइवर समंदर में घूम रहा था कि तभी उसके पास एक बड़ा टर्टल आता है और उसी के सामने आकर रुक जाता है, जिसकी हरकतों से ये साफ समझ में आ रहा है कि ये स्कूबा डाइवर ने मदद मांगने के लिए आया है। वो इसलिए क्योंकि इसके पीठ पर एक सी शेल चिपका हुआ था, जिसे वो खुद तो नहीं निकाल पाएगा, जिस वजह से उसने इस जान की मदद लेना जरूरी समझा, जो कि एक रेयर मोमेंट भी साबित होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से जानवर का मोमेंट सबसे खास और अनोखा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और यार, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी, तो इसे एक लाइक भी जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।